अगर आपके चैनल के ऊपर इस तरह का इशू आ गया है कि भाई यूर कंटेंट इज रीयूज्ड, या अभी आप चैनल ग्रो कर रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह का मसला ना आए, तो ये कैसे आता है, क्यों आता है और कैसे इससे बचता है, ये चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जैसे शफ़ात अहमद, अगर आप वीडियो एडिटिंग और यूट्यूब ऑटोमेशन वगैरह सीखना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो यू कैन फॉलो माई चैनल। इस पर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें पहले भी अपलोड की हैं और आती रहेंगी आगे। रीयूज कंटेंट क्या होता है या कॉपीराइट का इशू क्या होता है, इसको पूरा तरीके से इत्मीनान से समझते हैं। लेकिन पहले एक बहुत ही बेसिक बात जो कि आपको पता होनी चाहिए कि यूट्यूब ये कहता है कि जो वीडियो आपने यूट्यूब पर डाली है वो आपकी अपनी हो, और जब आपने एक वीडियो अपने यूट्यूब पर डाल दी, नाउ इट्स योर प्रॉपर्टी, और अगर कोई और इस वीडियो को अपलोड कर रहा है सो YouTube उसको कॉपीराइट की स्ट्राइक देगा। यानी कि आप एक वीडियो YouTube पे एक बार डाल सकते हैं, जो कि सबसे पहला रूल था, ठीक है ना। अब ऐसे तो फिर फेसलेस चैनल बन ही सकता, क्योंकि अगर YouTube पे अगर आपने सिर्फ अपनी ही वीडियो रिकॉर्ड करके डालनी है तो फेसलेस चैनल में तो ये होता है कि मैं इस तरह आपको बात के बाद बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ये चीज़ आप अपलोड यही अपलोड कर सकते हैं, कोई फेसलेस वीडियो अपलोड नहीं कर सकते कि इधर उधर से आपने चीज़ें कंपाइल करके डालनी। तो उसके लिए YouTube ने एक पॉलिसी रखी हुई है जिसे कहते हैं फेयर यूज़ पॉलिसी। वो अगर आपको समझ आ जाती है तो फिर आपको रीयूज़ कंटेंट में क्या चीज़ें नहीं, किस वजह से वो आता है इशू और क्यों आपने इसको किस तरह प्रिवेंट करना है, वो आपको समझ आ जाएगा। तो रीयूज़ कंटेंट की पॉलिसी ये है YouTube की कि जब आप किसी और की वीडियो यूज़ करते हैं लेट्स से, तो उसमें कोई वैल्यू एडिशन करना है, बस ये वर्ड है वैल्यू एडिशन करना है, इतना ही कहा है YouTube ने। अब वैल्यू एडिशन को उर्दू में ये कहेंगे कि आपने कुछ उसके अंदर ऐसा ऐड करना है कि जो पहले वीडियो थी ना उसके साथ कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज़ आपने ऐड कर दी है जो कि देखने वाले को ज़्यादा समझ आया, कि ज़्यादा फ़ायदा हो। यानी कि किसी और की आपने एक इजिप्ट की पिरामिड की वीडियो थी, पूरी की पूरी वीडियो आपने लेकर डाल दी, तो क्या आपने वैल्यू ऐड की, कुछ आपने ऐड नहीं किया उसमें, आपने कुछ ऐसा ऐड किया जो उस वीडियो में नहीं था, ठीक है। तो ये YouTube कहता है कि भाई इतना आप कर लो तो फिर मैं आपको अलाउ कर दूँगा ताकि और लोग आएँ और लोग वीडियो को देखें। अगर आपने वो वीडियो यूज़ की है इस तरह कि उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया, तो जब आप अच्छा कॉपीराइट का स्ट्राइक इसलिए नहीं आया कि आपने उसको जूम कर लिया था, उसमें आपने फिल्टर लगा दिया था, उसमें आपने आगे पीछे कट कर दिया, तो कॉपीराइट का इशू नहीं आया आपके पास, यानी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है जब आपने अपलोड की थी। बट जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन पे पहुंचेगा और यूट्यूब उसको रिव्यू करेगा और देखेगा कि भाई वैल्यू एडिशन कोई नहीं था, तो वो आपको रीयूज़ कॉन्टेंट का नोटिफिकेशन दे देगा और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। देन एक और चीज़ ये भी होती है रिपीटेटिव कंटेंट, यानी कि एक तो रीयूज़ कंटेंट में ये आ गया कि किसी और का ऐसा कंटेंट था जिसमें आपने वैल्यू ऐड नहीं की, दूसरा इस वजह से इशू आ जाता है कि एक ही चीज़ आपने बार बार अपलोड की है, एक ही म्यूज़िक आप बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, एक ही वीडियो बार बार अपलोड कर रहे हैं, एक ही बारे में अपलोड कर रहे हैं, रिपीट हो रही है आपकी बात बहुत ज़्यादा, तब भी यूट्यूब आपको मोनेटाइज नहीं करेगा। तो अब बचना कैसे है, पहली चीज़ तो ये कि यूट्यूब का ये लाइसेंस ये कहता है तीन तरह के आप स्टेजेस में डिवाइड कर लें यूट्यूब की वीडियोस को जो आप यूज़ करते हैं। पहली वीडियोस तो वो होती है जो स्पोर्ट्स की होती हैं, मूवीज़ की होती हैं, उनके पीछे पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो अगर आप वो वीडियो यूज़ करते हैं भले आप उसमें इतना छोटा सा पार्ट यूज़ करते हैं बार बार दो दो सेकंड का, कि वो कॉपीराइट ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं होता, बट जब आप मोनेटाइजेशन पे जाएंगे तो वो पीछे से यूट्यूब बोलेगा कि भाई उनका तो लाइसेंस जो है ना, उनके पीछे पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी पूरी आईपीज़ है, तो वो आपका अलाउ नहीं करते कि हमारे कंटेंट को यूज़ करके आप स्पोर्ट्स में क्रिकेट के ऊपर आप मोनेटाइज कर लें। तो अगर तो YouTube ने भी जाने दिया बड़ी मुश्किल से, तो फिर आप हो जाएंगे, अदरवाइज़ उस पर आपके पास यही इशू आएगा। नंबर टू, नॉर्मल YouTube वीडियोस होती हैं, उन वीडियोस में से आपने जब क्लिप्स यूज़ करने हैं तो आपको उनके अंदर एक तो वैल्यू एडिशन करनी, वैल्यू एडिशन में ये कि आप उसका अपनी ऑडियो यूज़ ना करें, आपने अपनी कोई ऑडियो उसमें डालनी, जैसे हम वॉइस ओवर कहते हैं, भले वो AI हो, उसका आपने कोई डेटा आपने ऐड करना, उस पर कहीं ना कहीं टेक्स्ट आ रहा हो इधर उधर, थोड़ा जूम कर लिया आपने, थोड़े से इफेक्ट्स लगा दिए उसके ऊपर, थोड़ा कलर वलर चेंज कर लिया आपने, इस तरह करके आपने यूज़ करना। अगर आपने नहीं की तो वो वीडियोस आपकी काउंट नहीं होंगी, उन पर मोनेटाइज करना बहुत मुश्किल है, किस्मत हुई तो आपका सिर्फ होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही नहीं, हो जाता है, लेकिन किस्मत तो होगा। फिर आपके पास तीसरी चीज़ ये आती है कि कुछ लाइसेंस होते हैं, एक नई चीज़ आपको बताता हूँ अगर आपने नहीं सुनी होगी, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, यानी ये कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिनको क्रिएटर ने कहा है कि भाई कोई भी यूज़ करना चाहे कर सकता है, ऐसी ही वीडियोज़ होती हैं यूट्यूब पे, उसका ट्यूटोरियल मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस कहलाता है कि वो वीडियोज़ जिनकी सेटिंग में अगर क्रिएटर ने अलाउ किया है कि भाई कोई भी यूज़ कर ले, तो यू कैन यूज़ दैट वीडियो ईजिली, जिसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा, कॉपीराइट का मसला नहीं आएगा। लेकिन ये बात आ जाएगी कि बार बार आपने रिपीट कर दी वही वीडियो, तो रिपीटेटिव कॉन्टेंट आ सकता है तब भी। फिर आपके पास स्टॉक फुटेज होती है जो कि कॉपीराइट फ्री वेबसाइट्स होती हैं, तो वो तो आप यूज़ कर सकते हैं, उन पर कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, लेकिन रिपीटेटिव कंटेंट का इशू उस पर भी आ सकता है अगर आपने एक ही क्लिप बार बार यूज़ करी है। तो ये रिपीटेटिव कंटेंट ये आपने समझना है कि चीज़ें चेंज होनी चाहिए चैनल के ऊपर, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने एक ही वीडियो ली, एक आपने सीनरी ली, उसके ऊपर आपने कोई स्टोरी लिख के लगाई और वही चीज़ आपने 500 दफ़ा अपलोड कर दी और आप चाह रहे हैं कि मोनेटाइज हो जाए, तो वहाँ आपके पास ये इशू आ जाएगा कि भाई ना तो कॉपीराइट था, ना आपने किसी और कंटेंट लिया, आपने अपनी स्टोरीज बनाई, सब कुछ किया, लेकिन क्योंकि रिपीट हो रही है एक चीज़ बार बार, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा।
तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको कंसिडर करनी होती है बिफोर यू प्लान कि आपने चैनल को क्या बनाना है, मोनेटाइज करना है, और ये अगर एरर आ गया है तो किस वजह से आया है, और अब आपने मज़ीद इस तरह का कंटेंट डालना है अपने चैनल पे जो कि ऐसा ना हो, फिर आपने अप्लाई करना है तो आपका चैनल होपफुली मोनेटाइज हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं स्पेसिफिक, कोई भी क्वेश्चन है, तो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो आप पूछ सकते हैं। आई विल सी यू सून इन अदर वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।